पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंचायत भवन के सभागार में नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की ओर से छात्राओं को फीस वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद के 15 विद्यालयों के लगभग 200 से अधिक छात्राओं को पूरे एक वर्ष की फीस वितरित की गई। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने छात्राओं को फीस दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ट्रस्ट की अध्यक्ष अल्पना गुप्ता और डॉक्टर मीनू रस्तोगी ने कहा कि समाज के अन्य लोगों को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं की सहायता के लिए अपना योगदान देना चाहिए, जिससे छात्राएं आगे बढ़कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। अल्पना गुप्ता और मीनू रस्तोगी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजीव आकांक्षी ने किया। इस दौरान ट्रस्ट की सदस्य शिवानी सिंह, मोना गुप्ता, वर्षा अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, सारिका गुप्ता, शिखा जैन, कविता छावड़ा, चारू भल्ला, सपना अग्रवाल, शुभदा अग्रवाल, नित्या अग्रवाल आदि सदस्याएं मौजूद रही। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट की तरफ से, जो कि रजिस्टर्ड है, उसकी तरफ से आज ये फीस वितरण समारोह का कार्यक्रम शुरू मतलब किया है आज हमने। और आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ कि हमने कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे मन को बहुत संतुष्टि होती है। एक मैं जब देखती थी बचपन में कुछ बच्चों को कि वो पढ़ नहीं पाते थे और फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं कसक सी थी कि मैं उन बच्चों की सहायता करूँ। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, उस छोटे से प्रयास में मेरा कारोबार बढ़ता चला गया। डॉक्टर नीतू रस्तोगी, मोना, शिवानी, सारिका और कविता, बबीता, वर्षा, सुषमा, शिखा, सुषमा शरण जी, विजयलक्ष्मी जी, सुनीता सैनी जी, मदालसा शर्मा जी, हेमा खत्री जी, और जाने कितने नाम मैं आपको बताऊं कि वो लोग, उन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया और आज हम मजबूती के साथ मुरादाबाद में खड़े हैं। ये तीसरा साल है हमें फीस वितरण करते हुए। जब वो बच्चियाँ फीस लेने के लिए अपने परिवार के संग, यानी अपने प्रधानाचार्य जी के संग, अपने ग्रुप के साथ मंच पर आती हैं, तो आप समझ नहीं सकते दुनिया की कितनी बड़ी खुशी हमें मिलती है। और हम चाहते हैं कि आप सबके सहयोग और सबके सहयोग से हम ये प्रयास हमारा जारी रहे निरंतर। और हम बालिकाओं का साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम हमने नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट ने शुरू किया है, ये आज तीसरा साल है। आज हमने 200 बच्चों को किया है और लास्ट ईयर भी 200 किए थे। और हम चाहते हैं कि हम इससे आगे बढ़ें, हमारी संख्या आगे बढ़े और हम और भी जो समाज में कार्य हैं इसी तरह से करते रहें। जय हिंद। ये हमारी नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट है जो लास्ट, ये हमारा हमारा तीसरा वर्ष है जिसमें हम, इसमें 200 कन्याओं को इस बार भी हमने अडॉप्ट किया है, जिनके हम एजुकेशन के लिए उनका फीस वितरण साल भर के लिए हम करते हैं। जो बच्चे बेचारे असक्षम हैं, जो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन बच्चियों को हमने, इनको पूरे साल भर की शिक्षा का फीस का वितरण करते हैं, जिसमें वो बच्चे पढ़ कर करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए और समाज में अपना योगदान दे पाए। क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है हमारी संस्था का, कि हम बच्चियों को अडॉप्ट कर करके उनको ऐसा अपने लायक बनाएं कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ करके कुछ ना कुछ बन कर करके अपनी ज़िंदगी को, अपने घर वालों को और समाज के प्रति पूरा पूरा प्रतिनिधित्व करें। क्या कोशिश की है आज आपने इस प्रोग्राम को करके और आपके इस कार्यक्रम में कौन भागीदार रहे? हमारी पूरी ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्ट के हम लोग 12-15 मेंबर्स हैं जिन्होंने सभी ने पूरा पूरा फुल योगदान किया है, जिसमें अल्पना भाभी, मैं और बहुत सारे हमारे सदस्य के सभी मेंबर जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनका सभी का योगदान है। हम अपने जैसे, जैसे समाज का हमारा ये है कि एक अपने जैसे हर एक लड़की को, 5 बच्चियों को हमें बनाने का हमने संकल्प किया है, तो ताकि हर बंदा ये सोचे कि मुझे अपने जैसे 5 बंदों को बनाना है, तो हम समाज में सभी का प्रतिनिधित्व से कर करके कुछ ना कुछ बच्चियों को हम बना पाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।